इतनी जल्दी तो बॉलीवुड वाले हिट फिल्मों की सीक्वल नहीं बनाते जितनी जल्दी भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक का सीक्वल बना दिया। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फंतंत्र। अगर आप गुस्से में पाकिस्तानी पर अंडा फेंके तो बुरा मानने के बजाय वो उसका ऑमलेट बना लेगा। अगर आप पाकिस्तानी पर चप्पल फेंके तो गुस्सा होने के बजाय वो कहेगा भैया इसी नंबर की दूसरी वाली भी फेंक दो। अगर आप पाकिस्तानी पर बम फेंके तो वो लालच में उसे टमाटर समझकर लपक लेगा। और इस बार वही गलती वो कर गए, हमने बम फेंके थे और वो टमाटर समझकर उसे लपक गए। 26 फरवरी का दिन पाकिस्तान के इतिहास में वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाया जाएगा। पाकिस्तानी हमसे टमाटर मांग रहे थे और हमारी आर्मी ने उनकी चटनी बना दी। इससे पहले सहवाग ने पाकिस्तान में 300 मारे थे, अब भारतीय आर्मी ने 300 मार दिए। पिछली बार हमले का सबूत मांगने वाला पाकिस्तान इस बार खुद अपने गाल पर छपा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दिखाकर दुनिया को सबूत दिखाया। उरी हमले के बाद व्योमकेश बख्शी बनकर सबूत मांगने वाले केजरीवाल भी इस बार चुपचाप बधाई दे रहे हैं। कश्मीर में जनमत संग्रह की बात करने वाले कमल हसन भी हमले के बाद सेना की तारीफ कर रहे हैं। मतलब बम के झटकों ने कुछ लोगों के लिए बिजली के झटके का काम किया और एक झटके में उन्हें अकल आ गई। अब बात पाक आर्मी की। एक तरफ वो कह रही है कि इंडिया ने कोई हमला नहीं किया और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम हमले का बदला लेंगे। भाई थोड़ी शर्म है तो कर लो। अमेरिका आपके देश में आकर ओसामा को मार गया और आप लोग भांग खाकर सोते रहे। भारत ने उरी हमले का जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, आप लोगों को भनक तक नहीं लगी। हमारी सेना ने आपके 300 आतंकी हूरों के पास पहुंचा दिए और आप लोग रम्मी खेलते रहे। उसके बाद भी इतनी अकड़। मतलब पाकिस्तानी आर्मी से ज्यादा चौकन्ना तो हमारे यहाँ एटीएम के गार्ड भैया होते। मतलब जनरल बाजवा अगर इंडिया आ जाए तो कोई उन्हें अपनी सोसाइटी में चौकीदार भी ना बना। उसके बावजूद भी ये लोग ट्विटर पर शेखियां बघारते हैं कि आप लोग सो जाओ, पाक आर्मी जाग रही है। पाकिस्तानी आर्मी से अपनी रखवाली करने से अच्छा इंसान बिजली की नंगी तार छूकर अपनी जान दे दे। और जब इन लोगों से कुछ नहीं होता तो ले देकर इनके पास एक ही धमकी बचती है कि हमारे पास तो एटम बम है। टमाटर का जवाब जो है एटम बम से दिया जाएगा। अच्छा, वैसे ये पाकिस्तान की पुरानी फितरत है, हर सवाल के बदले उनका एक ही जवाब होता है, हमारे पास तो एटम बम है। बहन जी आपके बच्चे के सर में जुएं क्यों हैं? हमारे पास तो एटम बम है। अंकल आपका लड़का अंगूठा क्यों चूसता है? हमारे पास तो एटम बम है। भाईजान आपकी बीवी पड़ोसी के साथ भाग गई। तीसरी बार, कोई बात नहीं, हमारे पास तो एटम बम है। मुझे तो लगता है कि दीवार फिल्म में शशि कपूर की जगह अगर पाकिस्तान छोटे भाई का रोल कर रहा होता तब भी उसका यही जवाब होता कि भाई मेरे पास एटम बम है। और जब कुछ करने की बारी आती है तो ये बहाना मारते हैं कि क्योंकि रात का वक्त था, पता नहीं चला। अच्छा, रात का वक्त था, अंधेरा था तो मोबाइल की फ्लैशलाइट जला लेंगे। वैसे पाकिस्तान को एटम बम की धमकी देता देखकर ना मुझे ऑफिस के उन लोगों की याद आ जाती है जिनकी सैलरी तो 10,000 रुपए होती है मगर हाथ में 60,000 का आईफोन लेकर घूम रहे होते। मतलब खाने को टमाटर नहीं है और धमकी एटम बम। एक बात समझ नहीं आती, पानी तो तुम इंडिया का पीते हो, फिल्में तुम इंडिया की देखते हो, गाने तुम इंडिया के सुनते हो, टमाटर तुम हमारे खाते हो, मार भी हमसे ही खाते हो, तो अपने देश में उगाते क्या? और गधे का रिश्ता तो सदियों पुराना है मगर लाहौर में गधों का कारोबार अचानक चमक उठने से गधा पालने वाले लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे। वाह सुभान अल्लाह, पाकिस्तान में गधा पालना इतना फायदे का सौदा है कि पूरी सरकारी गधा हो गई। समझ जाओ, सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। और ये नया हिंदुस्तान है, ये ना कायरों की तरह भीड़ से पत्थर फिकवाता है और ना ही फिदाइन हमले करवाता है। जब भी मारना होता है सीधा घर में घुसकर मारता है। इसलिए सुधर जाओ, ऐसा ना हो कि हिंदुस्तानी आर्मी के खौफ में पूरे मुल्क को रात में डायपर पहनकर सोना पड़े। चलिए मैं कुछ पंक्तियों के साथ अब आपको छोड़े जा रहा हूं। अगर ये लाइनें आपको अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर जय हिंद जरूर लिखिएगा कि मैं हिंदी वाली धड़क फिल्म, तुम मराठी वाली सैराट प्रिय, और मैं इंडिपेंडेंट भारत हूं और तुम चाइना की खैरात प्रिय। अरे मैं रात में स्ट्राइक करता हूं, तुम गधे बेचकर सोती हो, मैं घर में घुसकर धोता हूं, तुम यूएन के सामने रोती हो, तुम जब जब मुस्काओगी प्रिय मैं तुम पे सब कुछ हारूंगा, पर लाइन क्रॉस करी तुमने तो घर में घुस के मारूंगा, और आखिरी दो पंक्तियां आपके सीने के अंदर न घुस गई तो मेरा नाम रौनक नहीं। कि मैं महाराणा प्रताप का चेतक हूं, तुम बोझा ढोता टट्टू हो, कि मैं चाय वाले सी ब्रेव प्रिय और तुम इमरान खान सा फट्टू हो। वैसे इस हमले में पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर भी है और वो ये कि भारत ने पाकिस्तान पर जो 1000 किलो का बम फेंका है, पाकिस्तान चाहे तो उस बम का बचा हुआ लोहा कबाड़ी वाले को बेचकर बाजार से कुछ टमाटर तो खरीद ही सकता है।